हाय दोस्तों, हमारी YouTube चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। तो गाइस बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जन्म 20 मई 1900 ईस्वी, मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। जन्म के 6 घंटे पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया था, अतः इनका लालन पालन पिता और दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्विंस कॉलेज में की। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू तथा रविन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविताओं से हुआ। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी घात जमा की। 22 दिसंबर 1977 ईस्वी को प्रकृति का सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। रचनाएं, पंत जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली लोकायतन, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, स्वर्णधूलि, स्वर्णकरण, युगपत, उत्तरा, आत्मा, युगांत, युगवाणी, राम्या आदि। भाषा, पंत जी ने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसी मधुरता सरलता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। शैली, पंत जी ने अपने काव्य में संगीतात्मक शैली को अपनाया है। साहित्य मिश्रता, पंत जी सौंदर्य के उपासक थे, इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। सो गाइस, गुड बाय।